अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो वेलकम बैक टू ऑनेस्ट रिव्यूज़ एंड व्लॉग्स। तो आज की जो मेरी वीडियो है उन माओं के नाम जो ये कहती हैं कि बच्चे छोटे हैं और वो कोई काम नहीं कर सकती। तो मेरे छोटे बच्चे के हालात देख लीजिए, ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मतलब आपको तो बस वही नज़र आ रहा होता है जो कि हम दिखा रहे होते हैं। तो जो बैक कैमरा जो कुछ चल रहा होता है वो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें बैक कैमरा में क्या चल रहा होता है। तो मैं गई थी ग्रॉसरी के लिए, और मैं आफ्टर 15 डेज ग्रॉसरी कर लेती हूँ, आफ्टर मंथ भी कर लेती हूँ। डिपेंड्स के कौन सा जो सामान है वो ख़त्म हो गया या ज़रूरी सामान कौन सा है, तो मैं उस हिसाब से जो है अपनी ग्रॉसरी करती हूँ। अब क्योंकि ईद नज़दीक थी तो कुछ मसाला जात चाहिए थे, तो फिर मुझे जाना पड़ा। पहली जो चीज़ है वो है ये डालडा कुकिंग ऑयल, ये यूज़ करती हूँ मैं। इसके अलावा टिश्यू पेपर्स और टिश्यू रोल्स, किचन रोल्स, इनके बगैर किचन का गुजारा ही नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा ये हैं नूडल्स बच्चों के, छोटे बच्चों को क्योंकि मिर्चे कम पसंद हैं तो उनके लिए चिकन नूडल्स, और बड़े वाले जो हैं वो मिर्चे खा लेते हैं इसलिए उनके लिए चटपटा नूडल्स। इसके अलावा ये मैं पॉलिश लेकर आई थी कीवी की, फर्नीचर के लिए। अगर ये अच्छी होगी तो मैं इस पे भी आपको रिव्यू दूंगी, ताकि इजीली आप लोग अपना फर्नीचर जो है उसे इस ईद पे क्लीन कर सकें। ये सनलाइट जो वॉशिंग पाउडर है ये मैं लेकर आती हूँ मोप वगैरह को धोने के लिए, डस्टिंग वाले जो कपड़े वगैरह हैं उनको धोने के लिए। ये कुछ फूड आइटम्स हैं जिनमें मिठाई और ये फ्रूट केक्स, बेकरी, इस टाइप की चीज़ें शामिल होती हैं जो कि मैं लेके आती हूँ। ये ट्रेस्मी शैम्पू है और कंडीशनर है इसके साथ। शैम्पू लगता है अहमद ने कहीं नीचे फेंक दिया, ये अभी मेरे हाथ में कंडीशनर है। नेक्स्ट है ये हैंड वॉश जो कि मेरी बेटी को पिंक कलर में बहुत पसंद है। और साथ साथ देखिए कि मोहम्मद अहमद क्या कर रहे हैं, नूडल्स ले जाके तो वो कबर्ड पे ज़ोर ज़ोर से मार रहे हैं। बच्चे इसी तरह तंग करते हैं, इसी तरह सताते हैं, लेकिन क्योंकि वो बच्चे हैं तो बस हमें उनकी बजाय इसके कि हम लोग परेशान हों उनकी हरकतों पे, हमें उन्हें इंजॉय करना चाहिए। बचपन बार बार नहीं आता, यही हमारे बच्चों की छोटी छोटी सी खुशियां हैं या छोटी छोटी सी मेमोरीज हैं जो हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। अच्छा, ये मैं कुछ मसाला जात लेकर आई थी, ये कस्टर्ड पाउडर है, मेरे बच्चों को कस्टर्ड पसंद है इसलिए ये मैं लेकर आती होती हूँ। अच्छा, ये कुछ मसाला जात हैं, तो मैं अपने सालन में ये पूरे पूरे मसाला जात नहीं डालती, मैं अपने तरीके से आपको भी एक टिप दे रही हूँ कि आप लोग अपने तरीके से बनाइए, बिरयानी, कोरमा, जो भी मसाला जात आपने डालने हैं वो डालिए, लेकिन सिर्फ एक एक या दो दो स्पून जो हैं इन मसालों के शामिल कर लें, अच्छी खुशबू आ जाती है। कसूरी मेथी है जिसके बगैर मेरा गुजारा नहीं, मैं तकरीबन हर सब्जी में और हर हांडी में जो है वो कसूरी मेथी यूज़ करती हूँ। पाया मसाला लेकर आई हूँ, बड़ी ईद है, पाए भी बनेंगे, ये चारों मग्स हैं। और आलू बुखारा मुझे नहीं मिला, अच्छा नहीं था स्टोर पे, तो वो मैं दोबारा से लेने जाऊँगी दूसरे स्टोर से। तो ये चटनी के लिए चारों मग्स लेकर आई हूँ। ये हैं जी, गर्मी है और एंटीबैक्टीरियल सोप बहुत ज़रूरी है बीमारियों से बचने के लिए। ये है डिश वॉशिंग लिक्विड, और उसके अलावा लेमन मैक्स डिश वॉशिंग लिक्विड, और उसके अलावा ये है जॉनसन कॉटन टच बेबी बाथ, इसको आप एज अ शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं और बेबी शॉवर के लिए यानी बेबी बाथ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये मोहम्मद अहमद का है। और इसके अलावा ये कीवी पॉलिश है, लिक्विड पॉलिश, मैं यही यूज़ करती हूँ सुबह क्योंकि बच्चों को स्कूल के लिए जल्दी होती है, तो बजाय इसके कि आप दूसरी पॉलिश यूज़ करें आप भी यही किया करें। बाकी ये कुछ अपनी चीज़ें मैं लेकर आई थी, इवलाइन कॉस्मेटिक्स का ये एक्सपर्ट सी मास्क सुना है बहुत अच्छा होता है, तो मैं ये यूज़ करूँगी फिर आपको बताऊँगी। गोल्डन पर्ल का भी लेकर आई हूँ, ये VLCC प्लेटिनियम जो है फेशियल किट वो है।
और इसका रिव्यू मैं इंशाल्लाह ताला आपको दूंगी कि ये किस टाइप की है। फिर आप इस चीज़ पे बजाय इसके कि आप पार्लर में इतना महंगा फेशियल करें, अगर इसके रिजल्ट्स अच्छे हुए तो आप ये यूज़ करें। अपने लिए ब्रश लेकर आई हूँ, ग्रॉसरी में एक एक्स्ट्रा ब्रश मैं हमेशा लेकर आती हूँ, कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं उनके लिए। एक ये मैं बाटा से अपने लिए चप्पलें लेकर आई थी, जिन लोगों को भी पैरों में कुछ दर्द वगैरह का इशू है उनको दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छी हैं और प्राइसेस भी रिजनेबल हैं, तो वो इस टाइप से चप्पल ले सकते हैं। ये मैंने बाटा से ली है और इसका सोल आप देख सकते हैं, कुछ गिरने विरने का खतरा नहीं है और ये बहुत कंफर्टेबल जूता था। जिन लोगों को भी पैरों में दर्द की शिकायत हो वो वहाँ से ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस थे और जो रेंज थी इन चप्पलों की वो 1200 तक थी। ये जो है ये 600 की हैं, बाकी 600 से लेके 1200 तक की थी। ओके जी, आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।